हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सी एस पी इंस्टीट्यूट। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मशीन लर्निंग से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स, और मैं आपको इम्प्लीमेंट भी करवाऊंगा उनको, और हम इसमें सीखेंगे उनके पीछे की थ्योरी और हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट। सो मशीन लर्निंग प्रैक्टिकली कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप मशीन लर्निंग की प्रैक्टिस वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप पहले मशीन लर्निंग की थ्योरिटिकल वीडियोस देख के आइए, जो मैंने पहले से अपलोड कर रखी है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो थैंक यू गाइस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ के नियरेस्ट नेबर के बारे में, के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम के बारे में। हम क्या करेंगे, इरिस जो डेटा सेट है उसको हम सेग्रीगेट करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे, और फिर बाद में न्यू डेटा सेट के ऊपर हम उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समझते हैं कैसे काम करता है। चलिए, सो के नियरेस्ट जो एल्गोरिदम है इसे हम रोबोस्ट या फिर इंट्यूटिव मशीन लर्निंग मेथड्स भी बोलते हैं। इट इज अ रोबोस्ट एंड इंट्यूटिव मशीन लर्निंग मेथड एम्प्लॉयड टू टैकल क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम्स। देखिए, इसी के अंदर ही आपको ये पता चल गया कि ये किसके लिए यूज होता है, क्लासिफिकेशन के लिए। तो ये जो के नियरेस्ट एल्गोरिदम है, इट कैन बी आइदर यूज फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। सो गाइस, अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अगर ये क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के अंदर ये एल्गो यूज हो रही है, तो आप ये बताइए कि ये किसके अंडर में आती है? ये क्या मशीन सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है, क्या अनसुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है, क्या ये रेनफोर्समेंट लर्निंग टेक्निक है? सो आपको पता चल ही गया होगा क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन से कि ये है सुपरवाइज्ड एमएल टेक्निक। ओके, बाय कैपिटलाइजिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी, कैनन प्रेडिक्ट्स द लेबल और वैल्यू ऑफ न्यू डेटा पॉइंट्स बाय कंसिडरिंग इट्स के क्लोजेस्ट नेबर्स इन द ट्रेनिंग डेटा सेट। अब ये क्या करता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन में हमें पता है लेबल होता है हमारे पास में, और रिग्रेशन में हमारे पास में कंटिन्यूअस वैल्यू होती है। ठीक है, कोई भी कंटिन्यूअस वैल्यू के ऊपर हम प्रेडिक्शन करते हैं। ये जो करता है वो किस तरीके से प्रिडिक्ट करता है कि आपका जो डेटा सेट है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं गाइस, बेसिकली हमारे पास में एक ग्रुपिंग कर लेता है, एक ग्रुप बना लेता है। ठीक है, और सपोज सेम जो सिमिलर डेटा सेट है उनका इसने क्या कर लिया, ग्रुप बना लिया। ठीक है, अब ये नया डेटा सेट आया सपोज यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस देखेगा या यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है और यहाँ से कितनी है। ठीक है, सो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि यार ये वाली डिस्टेंस क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, तो ये किस किस ग्रुप का पार्ट हो गया, इस ग्रुप का पार्ट हो गया, इस क्लास का पार्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्लासिफिकेशन करता है। सो वी विल लर्न अबाउट सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम और के नियरेस्ट नेबर्स सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम, व्हाट इज के नियरेस्ट नेबर्स एल्गोरिथम। सो के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक येट इसेंशियल क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम इन मशीन लर्निंग। एज वी नो, इट इज बिलोंग्स टू सुपरवाइज लर्निंग डोमेन एंड फाइंड्स इंटेंसिव एप्लीकेशन इन पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। इसकी एप्लीकेशन लिख देता हूं, सबसे पहला आगे पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन के अंदर। और डेटा माइनिंग के अंदर, एंड
इन ट्रूजन डिटेक्शन। अब एक एक करके समझते हैं इसको। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है? सपोज हमारे पास में ये एक पैटर्न है। अब ऐसा ही पैटर्न अगर भविष्य में आएगा, जो भी इसका नेक्स्ट वैल्यू है वो प्रिडिक्ट कर देगा इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, या कुछ कुछ भी पैटर्न है ये, इस तरीके से एक पैटर्न चल रहा है हमारे पास में। अगर आपने इस पैटर्न के ऊपर कुछ लेबलाइज कर दिया कि अगर ऐसा पैटर्न है तो आप कह दीजिए यस, ठीक है। ऐसे कर करके आपने हजारों पैटर्न बना रखे हैं और उसको क्लासिफाई कर रखा है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज में, लेबल्स में। सो जैसे ही पैटर्न्स रिपीट होंगे वो देख लेगा अपने पास्ट में कि हाँ यार ऐसा पहले था और उसके ऊपर मैंने ये प्रिडिक्शन की थी। तो जो एक जैसे पैटर्न्स हैं उसका उनकी एक क्लास बना देगा, यस और नो, उनको क्लासिफाई कर देगा दो क्लासेस में, यस और नो क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासेस में क्लासिफाई कर देगा, ठीक है। और जैसे ही नया पैटर्न हमारे पास में आएगा तो देखेगा कि ये किसके पास का है, ये क्लास 1 का है या क्लास 2 से बिलोंग करता है, या इट कैन बी अ मल्टीपल क्लास। ओके, इट इज वाइडली डिस्पोजेबल इन रियल लाइफ सिनेरियोस सिंस इट इज नॉन पैरामेट्रिक। अब इसको थोड़ा सा लिख लेता हूं। इसमें एक और पॉइंट है कि इट इज नॉन पैरामेट्रिक, ठीक है, इट इज नॉन पैरामेट्रिक एल्गोरिदम। इसका मतलब क्या है कि इट डज नॉट मेक एनी अंडरलाइन अजम्पशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। लिख देता हूं, इट मीन्स इट डज नॉट मेक एनी अंडरलाइन अजम्पशंस अजम्पशंस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। कहने का मतलब क्या है कि ये कोई भी अजम्पशन नहीं बनाता, उस अजम्पशन नहीं बनाता, डिस्ट्रीब्यूशन जो डेटा है हमारे पास में, जो डेटा गिवन है उसके ऊपर ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाता, ठीक है। एज अपोज टू अदर एल्गोरिदम जैसे कि जीएमएम हो गया हमारे पास में, गोशियन वाली डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, या फिर मतलब जीएमएम एल्गोरिदम में क्या बनाता है, गोशियन डिस्ट्रीब्यूशन इसको लेके चलता है कि यार जो डेटा है वो गोशियन डिस्ट्रीब्यूशन के तहत है। अगर आपको गोशियन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं पता है तो थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए गोशियन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से बेली कर्व होता है। तो ये कोई मतलब अजम्पशन ही रख रहा है कि यार जैसे जीएमएम एल्गोरिदम के अंदर गोशियन डिस्ट्रीब्यूशन वो अजम्पशन लेके चलता है, यहां पर ये कोई अजम्पशन ही लेता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन पैरामेट्रिक एल्गोरिदम। केएनएन एल्गोरिदम इज नॉन पैरामेट्रिक एल्गोरिदम, ठीक है। सो वी आर गिवन सम प्योर डेटा, उसको हम ट्रेनिंग डेटा भी बोलते हैं, जो कि क्लासिफाई करता है कोऑर्डिनेट्स को ग्रुप्स में, आइडेंटिफाइड बाय एन एट्रीब्यूट। कोई भी एट्रीब्यूट हर एक ग्रुप के साथ में एसोसिएट हो जाएगा, तो हमारे पास में मल्टीपल ग्रुप्स, अभी अभी मैंने बताया था ना, ग्रुप्स बनते हैं और उनसे एसोसिएटेड कोई कोई भी एट्रीब्यूट हम कर सकते हैं, जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये एक एट्रीब्यूट हो गया, या तो ए, क्लास बी, क्लास सी, किस तरीके से भी हम उसको, किसी भी तरीके से हम उसको एट्रीब्यूट देकर उसको उसका नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बढ़िया सा भैया, ओके।
है। सो ये हमारे पास में दो ग्रुप हो गए। ठीक भैया, अब हमारे पास में एक नया, नहीं 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 अच्छा ठीक है। तो हमने सपोज एक नया हमारे पास में अनसीन डेटा आया, ये हमारा कैटेगरी वन हो गया और ये हमारा कैटेगरी टू हो गया सपोज, और ये हमारे पास में आया न्यू डेटा पॉइंट। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये कैटेगरी वन में बिलोंग करता है कैटेगरी टू में। सो नाउ गिवन अनदर सेट ऑफ डेटा पॉइंट, उसे हम ट्रेनिंग डेटा टेस्टिंग डेटा बोलते हैं। ये हमारे पास में टेस्टिंग डेटा सेट हो गया। एलोकेट दीज पॉइंट्स टू अ ग्रुप बाय एनालाइजिंग द ट्रेनिंग सेट। नोट दैट द अनक्लासिफाइड पॉइंट्स आर मार्क्ड बाय दिस वाइट सर्किल। ओके, सो दिस इज अनक्लासिफाइड। ओके, सो नाउ वी नीड टू क्लासिफाई इट। सो वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस एंड डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर। ओके, तो फिर बाद में हम इसको क्या कर लेंगे, देखेंगे कि ये किस कैटेगरी के ज़्यादा करीब है। जिस भी कैटेगरी के ज़्यादा करीब होगा ये उसी कैटेगरी या उसी क्लास में बिलोंग करेगा। ठीक है, सो दिस इज अ वर्किंग विजुअलाइजेशन ऑफ केएनएन। सो लेट लेट मी गिव इंट्यूशंस इंट्यूशंस बिहाइंड केएनएन एल्गोरिदम। If we plot these points on a graph as I have done, we may be able to locate some cluster or groups. Here, category 1 is one group and category 2 is another group. So now, given an unclassified point, we can assign it to a group by observing what group its nearest neighbor belongs to. भी मैंने बताया ना कि इनकी डिस्टेंस देखेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे भैया कौन से कैटेगरी के सबसे पास में है। दिस मीन्स अ पॉइंट क्लोज टू अ क्लस्टर ऑफ पॉइंट्स क्लासिफाइड एज रेड मे बी दिस सॉरी क्लासिफाइड एज हेयर रेड रेड न्यू डेटा विल बी क्लासिफाइड इन टू ग्रीन और येलो। ओके, सो दिस मीन्स अ पॉइंट क्लोज टू अ क्लस्टर ऑफ पॉइंट क्लासिफाइड एज अ आइदर इट कैन बी अ ग्रीन और इट कैन बी अ येलो, बट बिकॉज इट इज मोर नियर टू द ग्रीन पार्ट, सो इट विल बी क्लासिफाइड एज अ कैटेगरी टू डेटा सेट। ओके, सो ये कैटेगरी टू के ग्रुप में आ जाएगा। सो वाई डू वी नीड अ के एन एन एल्गोरिथम, आवर क्वेश्चन इज। वाई डू वी नीड केएनएन एल्गोरिदम, हमें इस एल्गोरिदम की जरूरत क्यों है? ये एक बहुत ही वर्सेटाइल एंड वाइडली यूज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जिसको प्राइमरली हम यूज करते हैं सिंप्लिसिटी और ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के चलते। सो बिकॉज ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है इसके अंदर, इट प्रोवाइड्स ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, सो दैट्स वाई वी यूज के एन एन एल्गोरिदम। इट डज नॉट रिक्वायर एनी अजम्पशन अबाउट द अंडरलाइंग डेटा सेट डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। सो
इट इज नॉन पैरामेट्रिक एल्गोरिदम एंड इट कैन ऑल्सो हैंडल बोथ न्यूमरिकल एंड कैटेगोरिकल डेटा. सो इट कैन बी यूज फॉर क्लासिफिकेशन एज वेल एज रिग्रेशन. ओके देन एंड इट इज नॉन पैरामेट्रिक मेथड दैट मेक्स प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन सिमिलरिटी ऑफ डेटा पॉइंट्स इन अ गिवन डेटा सेट. केएनएन इज लेस सेंसिटिव टू आउटलायर्स कंपेयर टू अनदर अदर एल्गोरिदम्स. सो इट इज लेस सेंसिटिव टू आउटलायर. जो आउटलायर है भैया उससे इसको ज्यादा मतलब कोई फर्क पड़ता नहीं है. सो केएनएन एल्गोरिदम वर्क्स बाय फाइंडिंग द के नियरेस्ट नेबर्स. ये किस पे वर्क करती है? के नियरेस्ट नेबर टू अ गिवन डेटा पॉइंट्स बेस्ड ऑन अ डिस्टेंस मैट्रिक. डिस्टेंस मैट्रिक क्या है यहाँ पर? हमें सबको पता ही है भैया, 10th क्लास में हर एक मेरे भाई बहन ने पढ़ा होगा यूक्लिड्स फॉर्मूला, यूक्लिडियन डिस्टेंस. चलिए तो बता दीजिए यूक्लिडियन डिस्टेंस. x1 y1 x2 y2 अगर दो डेटा पॉइंट्स हैं हमारे पास में, सो डिस्टेंस क्या होगा इन दो डेटा पॉइंट्स के बीच में? पी क्यू विल बी x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. सो हमें इनसे डिस्टेंस मिल जाएगी. सो द क्लास और वैल्यू ऑफ डेटा पॉइंट इज देन डिटरमाइंड बाय द मेजोरिटी वोट और एवरेज ऑफ के नेबर्स. जो क्लास है और वैल्यू है, जो भी वैल्यू है डेटा पॉइंट की, उसको हम डिटरमाइन करेंगे या तो मेजोरिटी वोट से या तो एवरेज ऑफ के नेबर से. जो के नेबर्स है उनके एवरेज से, या तो उसको उसको उनके एवरेज से या तो हम उसको मेजर करेंगे या तो मेजोरिटी वोट से. दिस अप्रोच अलाउज द एल्गोरिदम टू अडेप्ट टू डिफरेंट पैटर्न्स एंड मेक प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन लोकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा. सो चलिए, डिस्टेंस मैट्रिक्स जो इसके अंदर यूज होते हैं, एक तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, यूक्लिडियन डिस्टेंस इसका मतलब जनरल रूप कुछ इस तरीके से है भैया कि समेशन ऑफ x_i - x_i, ठीक है. फिर है मैनहट्टन डिस्टेंस. तो मैनहट्टन डिस्टेंस में अंडर रूट होता है, वहां पर अंडर रूट नहीं होता है, बस इतना ही डिफरेंस है, वहां पर एब्सोल्यूट होता है. एन से एम एक्स सॉरी -y, बस ठीक है. फिर है मिनकॉस्की डिस्टेंस. तीन डिस्टेंस मैट्रिक्स हो गए, एक तो डिस्टेंस मैनहट्टन और मिनकॉस्की, ठीक है. मिनकॉस्की भैया क्या कहते हैं कि ये हो गया 1 से लेकर n तक और xi - yi, पहले आप पी जो भी आप करो, फिर बाद में समेशन करके आप इसका 1/p कर दो, ये मीन कॉस की होता है. तो आप क्यूब करो, जैसे स्क्वायर करो, क्यूब करो. सो फॉर द फॉर्मूला अबोव वी वी कैन से दैट व्हेन पी इक्वल टू 2 इट कैन बी यूक्लिड डिस्टेंस हो जाएगा, और व्हेन 1 है तो ये मैनहट्टन डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है. सो कुछ इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं.
The above discussed metrics are most common while dealing with machine learning problem, but there are other distance metrics as well, like Hamming distance ho gaya, which come in handy while dealing with problems that require overlapping comparison between two vectors whose context can be a boolean as well as string values. So how to choose the value of k for KNN algorithm? अब देखो यार, इसकी वर्किंग के ऊपर बात करेंगे बेसिकली, और फिर इसकी एप्लीकेशन और एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में बात करके हम जंप कर जाएंगे फिर बाद में हम इसके कोड की तरफ। सो वर्किंग के बारे में बात कर लेते कि हाउ इट डज वर्क। अगर भैया थोड़ी सी राइटिंग खराब हो तो माफ कीजिएगा यार। सो चलिए, द के द वैल्यू ऑफ के इज वेरी क्रूशियल इन, जो के की वैल्यू है वो के एन एन एल्गोरिदम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टू डिफाइन द नंबर ऑफ नेबर्स इन द एल्गोरिदम, और ये किसके लिए जरूरत है? टू डिफाइन, थोड़ा सा इसके नंबर ऑफ नेबर्स इन द एल्गोरिदम, कि भैया कितने नेबर्स हैं। जैसे टू हो गया, टू नेबर्स, ये टू नियरेस्ट नेबर्स की बात कर रहा है, थ्री थ्री नियरेस्ट नेबर्स की बात कर रहा है, फोर में फोर नियरेस्ट नेबर्स की बात कर रहा है। द वैल्यू ऑफ के इज द के नियरेस्ट नेबर्स एल्गोरिदम शुड बी चूजन बेस्ड ऑन द इनपुट डेटा। ये किसके आधार पे? इनपुट डेटा के आधार पे ही, इनपुट डेटा के आधार पे ही हमें ये चूज करना पड़ता है। इफ द इनपुट डेटा हैज मोर आउटलायर और नॉइस, अगर इनपुट डेटा के अंदर ज्यादा से ज्यादा आउटलायर है या फिर नॉइस है, अनवांटेड थिंग्स है, या फिर हायर, सो अ हायर वैल्यू ऑफ के वुड बी बेटर। तो हम किसके साथ में जाएंगे? हायर वैल्यू के साथ में जाएंगे, अगर आउटलायर और नॉइस ज्यादा है इनपुट डेटा के अंदर। अगर इनपुट डेटा के अंदर आउटपुट और नॉइस अगर ज्यादा नहीं, कम है, सो के की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। सो इट इज रिकमेंडेड टू चूज एन ऑड वैल्यू फॉर के टू अवॉइड टाइज इन क्लासिफिकेशन। अब आपको क्या करना है भैया? ऑड वैल्यू चूज करनी है, ऑड वैल्यूज चूज करनी है। क्यों भैया? हम जो टाइज है ना, दो क्लासिफिकेशन के बीच में टाइज को अवॉइड करना चाहते हैं, टाई ना हो जाए। टाई हो गया ना, मैच टाई हो जाता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं। इससे अच्छा आप ऑड वैल्यू चूज कीजिए, जैसे कि थ्री, फाइव, सेवन। तो जैसे कैटेगरी दो है, दो कैटेगरी है, ए, मान लीजिए आपके पास दो कैटेगरी है ए और बी। ठीक है, सो पहला पॉइंट गया गोज टू वन, मतलब के में से एक तो गया इसके पास में, फिर एक और गया इसके पास में एक आ गया। तो देखिए इस कंडीशन में क्या हुआ, ज्यादा किसके पास में जा रहे हैं? ए के पास में, तो हम ए के साथ में चले जाएंगे। वहीं अगर सपोज ये थ्री की जगह टू होता और टू ही कैटेगरीज है, तो दोनों पॉइंट एक 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 दूसरे के पास में चले जाते, तो यहां पर मैच टाई हो जाता, तो हम ये नहीं पता कर पाते ना कि कौन जीता। एग्जाम्पल दिया है मैंने, ये ऐसे काम नहीं करता है, बताऊंगा आपको, है ना। सो क्रॉस वैलिडेशन मेथड्स कैन हेल्प इन सेलेक्टिंग द बेस्ट के वैल्यू फॉर द गिवन डेटा सेट। अब क्रॉस वैलिडेशन, जो डेटा वैलिडेशन के बारे में आपने सुना ही होगा यार, क्रॉस वैलिडेशन के अंदर जो टेक्निक्स आती हैं हमारे पास में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक्स हैं हमारे पास में। सो उसके साथ में यार, अगर आपको मतलब क्रॉस वैलिडेशन के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। क्रॉस वैलिडेशन बेसिकली होता क्या है, हमारे पास में एक डेटा सेट होता है, मान लीजिए ट्रेनिंग के लिए डेटा सेट हो गया। ठीक है, सो एक पार्ट तो हम ट्रेनिंग के लिए लेके जाते हैं उसको, और दूसरे पार्ट को हम लेके जाते हैं टेस्ट के लिए। सो टेस्ट के साथ में हमारे पास में आ जाती है मॉडल की परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी, ये सब चीज़ें। सो मान लीजिए 70% इधर चला गया और 30% इधर चला गया।
ट्रेनिंग के बाद में ये 80 और 20 या किसी भी फॉर्मेट में रैंडम भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तो होता है मॉडल ट्रेन के लिए, ये होता है ट्रेन के लिए जाता है, ट्रेनिंग के लिए, और दूसरा जाता है वैलिडेशन के लिए, वैलिडेशन के लिए। तो यहाँ पर हो गया मॉडल का जो हाइपर मॉडल हाइपर ट्यूनिंग के लिए, बेसिकली हाइपर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए, ठीक है। सो बेसिकली जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है क्रॉस वैलिडेशन की, उसे हम कहते हैं के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, जहां पर डेटा सेट है वो डिवाइड हो जाता है के सबसेट्स में, और के सबसेट्स में डेटा को डिवाइड करके हम बेसिकली ईच टाइम यूजिंग अ डिफरेंट फोल्ड एज अ टेस्ट सेट, टेस्ट सेट जो मतलब मान लीजिए हमारे पास में ये ट्रेनिंग डेटा सेट है, सो हमने इसको के फोल्ड्स में डिवाइड कर दिया। तो के फोल्ड में पहले सेट में क्या हो जाएगा, इतना सारा डेटा, सपोज ये वाला जो पोर्शन है ये तो वैलिडेशन के लिए यूज होगा, और बाकी का पोर्शन हमारा ट्रेनिंग के लिए होगा, फिर ये वाला पोर्शन हो गया, फिर ये वाला मतलब ये वाला पोर्शन वैलिडेशन के लिए यूज होगा, फिर ऐसे करते करते एक एक बार सबकी बारी आएगी। मान लीजिए कि हमारे पास में 100 कार्ड है या 100 इनपुट डेटा है, तो पहले 10 वाले इनिशियली के फोल्ड में, के मतलब हमने उसको 10 फोल्ड्स में डिवाइड कर दिया, मान लीजिए तो 10 सबसेट्स बना लिए, तो पहला 10 वैलिडेशन के लिए यूज होगा और 90 ट्रेनिंग के लिए यूज होगा, ठीक है। फिर 10 से लेकर 20 तक का डेटा वैलिडेशन के लिए, और बाकी 10 से लेकर 0 से लेकर 10 और 20 से लेकर 100 तक का डेटा वो ट्रेनिंग के लिए यूज होगा। और ऐसे करते करते क्या करते करते इवेल्युएट करेंगे हम, वैलिडेट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एक्यूरेसीज इनके साथ में आएगी। सपोज आप लोगों ने इतने सारे डेटा के साथ में उसको ट्रेन किया और इतने वाले डेटा के साथ में उसको आपने इवेल्युएट किया, तो इसकी एक्यूरेसी आई। फिर ऐसे ही थर्ड टाइम पे क्या होगा, 0 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, और 30 से लेकर 31 से लेकर मैं इसको लिख देता हूँ 31 से लेकर 100। सो इस डेटा के ऊपर आपने ट्रेन किया, इसके ऊपर इवेल्युएट किया, इसकी एक्यूरेसी आई 1, इसकी एक्यूरेसी आई 2, ऐसे करते 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 एक्यूरेसी एन आई। सबको आप कर लो, इनका एवरेज निकाल लो, इसे हम कहते हैं क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है। सो एवरेज परफॉर्मेंस यहाँ से हम निकाल देते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, इससे हम जो वेरिएंस होता है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, वेरिएंस विल बी रिड्यूस्ड, ओके। और इफेक्टिव यूज ऑफ डेटा होता है, मॉडल सिलेक्शन हम अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। सो ये सब इसका फायदा हो गया हमारे पास में, ठीक है। ये बेसिकली क्रॉस वैलिडेशन जो होता है, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो आपको बनाकर डाल दूँ। वैसे अगर आपको इसके ऊपर ज़्यादा देखना है तो आप जाकर मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, थ्योरी वाले पार्ट में मैंने इसको समझाया हुआ है। सो वर्किंग ऑफ केएनएन एल्गोरिदम, केएनएन नेबर एल्गोरिदम ऑपरेट्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी, वेयर इट प्रिडिक्ट्स द लेबल और वैल्यूज ऑफ न्यू डेटा पॉइंट्स बाय कंसिडरिंग द लेबल्स और वैल्यूज ऑफ इट्स के नियरेस्ट नेबर्स इन द ट्रेनिंग डेटा सेट। कि भैया सपोज आपने दो क्लास बना रखी, अब आपके पास में नया डेटा सेट आया, तो ये देखेंगे कि ये लगभग किसके साथ, कौन से डेटा सेट के साथ में ज्यादा सिमिलर है, किसके साथ में इसकी सिमिलरिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। टू मेक प्रेडिक्शंस द एल्गोरिदम कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन ईच न्यू डेटा पॉइंट्स इन द टेस्ट डेटा सेट एंड ऑल द डेटा पॉइंट्स इन द ट्रेनिंग डेटा सेट। द यूक्लिडियन डिस्टेंस इज अ कॉमनली यूज्ड डिस्टेंस मैट्रिक इन के एन एन, बट अदर डिस्टेंस मैट्रिक सच एज मैनहट्टन डिस्टेंस हो गया, मीन कॉसी डिस्टेंस हो गया, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है, डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। एक बार डिस्टेंस बिटवीन जो न्यू डेटा पॉइंट्स है और ऑल डेटा पॉइंट्स इन द ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स, जो भी ट्रेनिंग सेट्स के अंदर हमने उसको कैटेगराइज किया है, एक बार जैसे ही वो आ गया, ठीक है, डिस्टेंस आ गई, द
एल्गोरिदम प्रोसीड्स टू द फाइंड के नियरेस्ट नेबर्स बेस्ड ऑन इट्स डिस्टेंस। सो के नियरेस्ट नेबर्स के साथ में चले जाएगा कि सपोज तुमने तीन ले लिए, तो तीन इसमें से तीन लोगों को ये चूज करेगा और उनके साथ में डिस्टेंस देखेगा, और इसी तरीके से इनमें से तीन सबसे करीबी को लेगा और उनके साथ में डिस्टेंस देखेगा और सबका एवरेज करके फिर बताएगा कि यार देखिए ये वाला, ये तीनों इसके ज्यादा करीब है। ऐसे नहीं है कि कोई आउटलायर यहाँ पर आउटलायर एग्जिस्ट कर रहा है और तुम इसके पास में चले गए, ऐसे नहीं। ये फिर बाद में बायस्ड हो जाता है, मतलब नॉइज डेटा है, नॉइसी के साथ में हम नहीं जाएंगे, हम बेसिकली यहाँ से कोई तीन सेलेक्ट करते हैं और तीन के साथ में एवरेज निकालते हैं। इसीलिए तीन मैं बोल रहा हूँ, बोलने को तीन है, बेसिकली तीन भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, सात भी हो सकता है, नौ भी हो सकता है, हमें ओड लेना है। सो ओड में फायदा ज्यादा होता है, ठीक है, वरना कई बार न्यूट्रल वो हो जाता है कि टाई हो जाता है मैच, ठीक है। सो द स्पेसिफिक मेथड ऑफ फॉर सेलेक्टिंग द नियरेस्ट नेबर्स कैन वेरी, बट अ कॉमन अप्रोच इज टू शॉर्ट द डिस्टेंस इन असेंडिंग ऑर्डर एंड एंड चूज द की डेटा पॉइंट्स विच आर विच विद दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आफ्टर आइडेंटिफाइंग द के नियरेस्ट नेबर्स। फॉर एल्गोरिदम मेक्स प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन द लेबल्स और वैल्यूज एसोसिएटेड विद दीज नेबर्स। अब सपोज इसने मान लिया कि भैया ये इसके पास में ज्यादा है, तो इस ये वाला जो ग्रुपिंग है, ये वाला जो क्लस्टर है, इसका क्या क्लासिफिकेशन है, क्लास वन के नाम से मैंने क्लासिफाई कर रखा है, तो ये लेबलाइज कर देगा, या इसकी वैल्यू क्या है। फॉर क्लासिफिकेशन टास्क द मेजोरिटी क्लास अमंग द के नियरेस्ट नेबर्स इज असाइंड एज द प्रेडिक्शन लेबल फॉर द न्यू डेटा पॉइंट्स। फॉर रिग्रेशन टास्क द एवरेज और वेटेड एवरेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द के नियरेस्ट इज असाइंड एज अ प्रेडिक्शन वैल्यू। ओके, सो इसकी अप्लीकेशन हो गई डेटा प्रोसेसिंग, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन और रिकमेंडेशन इंजन। एडवांटेज हो गए, इजी टू इम्प्लीमेंट है, आसानी से अडेप्ट कर सकते हैं, और कम ही हाइपर पैरामीटर्स हैं। द ओनली पैरामीटर्स विच आर रिक्वायर्ड इन द ट्रेनिंग ऑफ अ के एन एन एल्गोरिदम आर वैल्यूज ऑफ के एंड द चॉइस ऑफ डिस्टेंस मैट्रिक्स विच वी वुड लाइक टू चूज फ्रॉम आवर इवेल्युएशन मैट्रिक्स। डिसएडवांटेज क्या है, इसको हम स्केल अप नहीं कर सकते, और दूसरा है डिसएडवांटेज में, पहला तो हो गया डज नॉट स्केल, फिर कर्स ऑफ डाइमेंशनलिटी, नलिटी एंड प्रॉन टू ओवरफिटिंग। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी कि यार ओवरफिटिंग हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। सो ये दिक्कत है इसके अंदर। सो आई होप आपको ये समझ में आया। अब चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं हमारे कोड की तरफ। तो ये हमारा कोड है और इसको हम समझते हैं क्या है इसके अंदर। सो सबसे पहले देखिए, हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट की है, जो भी इसेंशियल लाइब्रेरीज हैं। यहाँ इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ देते हैं। तो जैसे स्किट लर्न है, एसके लर्न जिसको बोलते हैं, स्किट लर्न यहाँ पर फ्रॉम स्किट लर्न एसके लर्न। सो एसके लर्न इज अ पाइथन मॉड्यूल इंटीग्रेटिंग क्लासिफिकेशन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। इट इज टाइटली नेट वर्ल्ड ऑफ साइंटिफिक पाइथन पैकेजेस। तो अगर आप ये करोगे, यहाँ लाइब्रेरीज को जाकर देखोगे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ जाकर देख सकते हो, ठीक है। सो डॉक्यूमेंटेशन जाके देख सकते हो, इसकी पूरी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है हमारे पास में। इस पर्टिकुलर एसके लर्न से, एसके लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन से हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये क्या करता है, जो डेटा है उसको स्प्लिट करता है बेसिकली। फिर नेबर्स से हमने निकाला के नेबर्स क्लासिफायर, ये बेसिकली के एन एन की बात कर रहे हैं हम। और फिर एसके लर्न से हमने डेटा सेट निकाल लिया। अब डेटा सेट्स वाले से हम लॉर्ड इरीज जो डेटा सेट है वो हम ले रहे हैं, जिसमें क्या होता है ना कि हमारे पास में फूल होता है, इरीज एक फूल होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये कुछ इस तरीके का फूल होता है। तो
इसमें पेटल की लेंथ हो गई, ये डेटा सेट होता है कि ये सितोसा है या फिर बाद में कौन सा मतलब है, इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं फ्लावर्स। क्लासिफिकेशन सो बेसिकली हमारे पास में अलग अलग उसमें आती हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स में आती है इसके अंदर। इस ये हो गई, देखिए बोल रहा है कि सेपल लेंथ हो गई, इस सेपल विड्थ हो गई, पेटल लेंथ हो गई, पेटल विड्थ हो गई। तो इसमें वर्सिकलर हो गया, सिटोसा हो गया, वर्जिनिका हो गया, इसके आधार पे तीन चार कैटेगरीज में डिवाइडेड है, मतलब तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, हमने डेटा सेट इसमें इंपोर्ट कर लिया। अगर आपको डेटा सेट प्रिंट करवा के देखना है तो आप देख सकते हैं, यहीं पे आप डाल दीजिए प्रिंट इरीज, डाल देता हूं मैं प्रिंट इरीज, तो ये पूरा डेटा सेट हमारे पास में आ जाएगा। लेकिन मैं पूरा नहीं चाहता हूं, तो मैं इसको वो कर देता हूँ 0 से लेकर 10 तक ओनली। ठीक है, पूरा नहीं चाहिए मेरे को। ये फिर बाद में मैंने इसको टुकड़ों में तोड़ा, ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा के अंदर। ठीक है, ये एक्स ट्रेन है और वाई ट्रेन है। ये बेसिकली क्या है, एक्स तो फीचर्स हो गए हमारे पास में और वाई उसके लेबल हो गए। ये एक्स ये टेस्टिंग के लिए बेसिकली, तो इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को यूज करते हुए मैंने इसको तोड़ लिया। और मैंने क्या बोला भाई, टेस्ट जो साइज है वो 10% होनी चाहिए, मतलब 90% ट्रेनिंग डेटा सेट हो गया और 10% टेस्टिंग हो गया। अब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज लेंथ, जो टारगेट नेम है हमारे पास में इरीज के, जो टारगेट नेम है, जो कि जिसे हम वाई बोलते हैं बेसिकली, जो फीचर्स हो गया और एक लेबल हो गया है ना। जितने भी ये हैं, इन लेबल्स को हमने बेसिकली क्या किया, प्रिंट करवाते हुए चले गए। ठीक है, हमने क्या कहा भाई कि ये इरीज के जो टारगेट नेम्स हैं उसके अंदर उस पर्टिकुलर जगह पर आई को डालते जाइए, है ना। ये हमें कुछ कुछ एक आउटपुट देता जाएगा, ये हमें ये लेबल के साथ में देता जाएगा कि भैया ये लेबल 0, आई 0 हो जाएगा, 0 के साथ में सितोसा हो गया, और 1 के साथ में वर्सिनिका हो गया, 2 के साथ में वर्जिनिका हो गया। ये टारगेट नेम्स कौन कौन से कैटेगरीज है, जैसे सितोसा हो गया, वर्जिनिका हो गया और वर्सिकलर हो गया। जितने भी हैं उनकी लेंथ, वो तो नंबर्स में बदल गया है, तो ये 0 1 2 आ जाएगा बेसिकली, और यहाँ पर उनके नाम्स आ जाएंगे। ठीक है, उससे एसोसिएटेड वो हम प्रिंट करवा देंगे सबसे पहले। तो चलिए फिर हम क्लासिफायर को बनाएंगे। क्लासिफायर में हम के की वैल्यू, यहाँ पर के की वैल्यू मैंने कहा था, के की वैल्यू देनी बहुत जरूरी है। तो एन नेबर्स की वैल्यू मैंने दे दी 2, लेकिन मैंने क्या कहा था, अगर हमें अच्छा चाहिए तो हमें 3 देना चाहिए। पहले अपन 2 से देखेंगे, फिर हम 3 से भी करके देखेंगे। ठीक है, फिर बाद में हमने फिट किया ट्रेन और ट्रेनिंग डेटा सेट इसके अंदर। ठीक है, फिर हमने इसके ऊपर प्रेडिक्ट किया, ये बेसिकली इवैल्यूएशन के लिए है। तो क्लासिफायर जो मैंने इस क्लास से जो ऑब्जेक्ट बनाया उसके साथ में एसोसिएटेड मेथड फिट में मैंने डेटा डाला, वो ट्रेनिंग के लिए। फिर प्रेडिक्ट के लिए मैंने इस मेथड के अंदर मैंने टेस्ट डेटा डाला, ये प्रेडिक्शन के लिए। फिर बाद में क्या करूंगा, मैं रिजल्ट ऑफ क्लासिफिकेशन यूजिंग के एन एन विथ के इक्वल टू 2 है, सॉरी के इक्वल टू 2 है ना। फॉर आर इन रेंज 0 से लेकर लेंथ ऑफ जो भी लेंथ है इसकी एक्स टेस्ट की, ठीक है, 0 से स्टार्ट होंगी, प्रिंट सैंपल एक्स टेस्ट जो भी 0, हम यहाँ पर 0 और 1 डालेंगे यहाँ पर, तो कह देंगे सैंपल तो ये है, एक्चुअल ये आ जाएगा। ठीक है, और प्रिडिक्टर ये है, तो सैंपल के साथ में एक्चुअल और प्रिडिक्टर दोनों आ जाएंगे। और फिर बाद में हम उसकी क्लासिफिकेशन की एक्यूरेसी बता देंगे, भैया इस पर्टिकुलर के साथ में एक्यूरेसी क्या है इसकी। ठीक है, ये इसको बाहर निकाल दो,
ये एक्यूरेसी भी निकाल देगा। तो चलिए इसको चला के देखते हैं भैया क्या हो गया। दे रहा है। ये हमने यहाँ पर गलती की थी थोड़ी सी। उसको हमने 0 से 10, क्योंकि वो एक डेटा सेट है, तो हम वैसे लिस्टिंग नहीं कर सकते, लिस्ट वाले ऑपरेशंस नहीं लगा सकते उसके ऊपर। तो चलिए अब देखते हैं, ये प्रिडिक्शन हो गया हमारा। तो ये देखिए, ये तो हमारा डेटा सेट है। सबसे पहले तो ये हमारा डेटा सेट है, ओके। और इसके अंदर फ्रेम्स के अंदर ये टारगेट नेम्स हैं, सितोसा, वर्जेनिका, कलर, और ये उसका डेटा टाइप हो गया। इस तरीके से डेटा सेट हमारे पास में यहाँ पर है, ठीक है। और फिर बाद में सबसे पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ एक एक लाइन के साथ में। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रिंट ये करवाया, ठीक है। फिर बाद में मैंने कहा कि प्रिंट करवा दिया, इरिस डेटा सेट इज लोडिंग, स्प्लिट करवा लिया, ठीक है। और फिर बाद में जो भी हमारे लेबल्स थे उनको दिखा दिया कि देखो सिटोसा है, वर्सी कलर है और वर्जिनिका है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर ये सेग्रीगेटेड है इस तरह से, टारगेट नेम के साथ में ये वाली चीज एसोसिएटेड है, ये अरे एसोसिएटेड है, ठीक है। सो इस टारगेट नेम से एसोसिएटेड है बेसिकली, यहाँ पर ये चीज है एसोसिएटेड, ठीक है। सो इरिस डेटा सेट डॉट टारगेट नेम से मैंने जितने भी, अगर मैं 0 करूंगा तो सितोसा आएगा, 1 करूंगा तो वर्जिनिका आएगा, और वर्सी कलर आएगा और वर्जिनिका आ जाएगा, ठीक है। सो इसी के आधार पे इसका सेग्रीगेशन हो गया, ठीक है। फिर बाद में क्लासिफिकेशन के आधार पे रिजल्ट ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने दिखाया। सैंपल, ये सैंपल पे एक्चुअल लेबल आ रहा है 2, ठीक है। और प्रेडिक्टेड क्या है भैया, प्रेडिक्टेड भी 2 है, ठीक है। एक्यूरेसी कितनी है, 1.1 है इसकी एक्यूरेसी, 1 है, सही है इसकी एक्यूरेसी। क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी ये कह रहा है सब जगह 1 है, ओके। एक्यूरेसी की बात इसने 1 कही, ओके। सो लगभग ये सही, एक आधी जगह ये गलत देगा, बाकी ये सही दे रहा है। क्योंकि ये मतलब इतने डेटा सेट पे तो ओवरफिटिंग हो जाती है ना यार, तो मतलब ये भी दिक्कत है इसके साथ में, तो ये लगभग सही देता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए, ठीक है, रिवाइंड करके देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग।